सवाल यह है कि मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की जो कहानी है वो शुरू कैसे हुई। तो 7th century AD में इस्लाम पैदा हुआ वेस्ट एशिया में, और इस्लाम तब पैदा हुआ जब दुनिया में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। यूरोप सामंतवाद से परेशान था, फ्यूडलिज्म से, ईस्ट सामंतवाद से परेशान था। 7th century की हिस्ट्री पढ़िए आप इंडिया की। इस्लाम पैदा हुआ अंधेरे, चारों तरफ अंधेरा, और इस्लाम पैदा हुआ, और वो जो मोहम्मद रोशनी लेकर पैदा हुए, इक्वालिटी, लिबर्टी, फेटर्निटी, सऊदी अरेबिया खुद ही उस वक्त बहुत परेशान था। और 7th century से लेकर 10th century तक इस्लाम ने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट की सेंट्रल और वेस्ट एशिया में। 10th century के बाद इस्लाम ने अपना एक्सपेंशन शुरू किया। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि किसी भी धर्म पर कभी कमेंट मत किया करिए। ये तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी भी धर्म पर कभी कमेंट मत करिए। और चूंकि हिंदू और हिंदुस्तान में लोग सुनकर ज्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। पढ़िए, वही साइंटिफिक अप्रोच, क्वेश्चन क्रिएट करिए। क्वेश्चन क्रिएट करने के बाद उसका पर्यवेक्षण करिए, सर्वे करिए, उसका प्रयोग करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, फिर उससे जो नॉलेज पैदा हो रही है वो साइंटिफिक अप्रोच है। खुद ब खुद आप किसी से सुनकर, आपने वो मूवी देखी 26/11, नाना पाटेकर यही तो कहता है कसाब से कि तुझे क्या लगता है कि तेरे आका ने ही कुरान पढ़ी है? हमने भी कुरान पढ़ी है, हमसे बड़े मुसलमान हो। वो बड़ी प्यारी सीन है वो, जब वो कसाब को लेके जाता है मॉर्चरी में, जब वो कसाब उससे कहता है कि आका कहते थे कि जन्नत में परियां होंगी, शहद से नहलाएंगी, तुमको तो वे नौकरानी ना नहलाए। मैंने कहा ना कि जब धर्म अज्ञानियों के हाथ में पड़ जाता है तो उसकी बड़ी गलत गलत परिभाषाएं निकाली जाती हैं, उससे धर्म की बेइज्जती होती है, उससे धर्म की बेइज्जती होती है। हमारे यहां भी बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जिनका वो कारण ही नहीं जानते वो क्यों कर रहे हैं। तो मैं एक सीरीज बना रहा हूं, अभी उस पर मैं वर्क कर रहा हूं, वो रिलीजन की सीरीज होगी, हिंदुइज्म के बारे में लगभग लगभग जितनी इंपॉर्टेंट पहलू है उस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म, बाकी किसी भी धर्म पर बोलने का मेरा अधिकार नहीं है, वो सबको अपने अपने हिसाब से करना चाहिए, तो वो अपना अपना करेंगे, बाकी मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर आदमी का अपना अलग मत होता है और मैं किसी के मत में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता। वो बड़ी प्यारी सीन है कि और आका कहते थे खुशबू उठेगी, ये उठेगा, वो उठेगा, तो लेके जाता है मर्चुअरी में, और ले ही नहीं जाता, ले जाके वो देखता है उनकी डेड बॉडी, तो रोने लगता है, तो उसके बैक पर 1 लाख खींच के मारता और बैठता है जमीन पर, और उसका गर्दन पकड़ के उसकी बॉडी में टच कराता है कि ले सूंग, कहता था ना खुशबू आएगी ले। आका की आंखों में चमक है और तुमको, तुम काफिर हो, तुमको क्या पता इस्लाम क्या है, तुमको बड़ा पता है भिगमंगों का देश, इतने ही तुम बहुत बड़े गामद है तो सुपर पावर बन जाते, हम मान लेते, तुम हमको समझाओ कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है।